श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। एक भगवान के प्रेमी भक्त के क्या लक्षण है, वो क्या सोचता है, क्या विचार करता है, जरा इस पर आज चर्चा किया जाए। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान का अनन्य होता है, अर्थात उसका कोई अन्य आश्रय नहीं होता, वो भगवान पर ही आश्रित होता है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। ज्ञान और कर्म से जो हमारे साधन हो रहे हैं, इन सभी आश्रय का हमें त्याग करना है और सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को हटाकर अनन्य भाव से केवल भगवान में ही अपने मन को लगाना है। यही प्रेम है, यही भगवान की प्रेमा स्वरूप भक्ति है। प्रेमा स्वरूप भक्ति में भगवान से प्रेम किया जाता है। इस प्रेम में भगवान का सुख देखा जाता है। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, किस भाव से प्रसन्न होंगे, क्या किया जाए उनकी सेवा हो जाए, क्या भोग लगाया जाए जिससे वो पाकर प्रसन्न हो, क्या उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, कहाँ उनको विहार कराया जाए, कौन से पद भगवान को सुनाए जाएं जिससे वो प्रसन्न हो, इस तरह का निरंतर तेलवत धारा के रूप में चिंतन, निरंतर चिंतन की बात की गई है। निरंतर सेवा, निरंतर प्रेम, यही अनन्य प्रेम है भगवान की भक्ति का। भगवान का भक्त इस संसार में जो भी सुख है उसकी कामना नहीं करता है। भगवान का भक्त संसार के सभी सुखों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि संसार का सुख कुछ समय के लिए आनंद देता है, सुख देता है, परंतु कुछ समय बाद वह दुख में बदल जाता है। जैसे शुगर के मरीज को मीठा अगर दे दिया जाए, खाते समय तो उसे अच्छा लगेगा, परंतु कुछ समय बाद उसके शरीर में जाने के बाद वह रोग को और बढ़ा देगा, इसलिए शुगर के मरीज को मीठा नहीं दिया जाता। इसी प्रकार संसार का भोग हमें कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा, परंतु वह दुख में बदल देगा। शारीरिक दुख भी होगा, मानसिक क्लेश भी होगा, मानसिक दुख भी होगा, सभी प्रकार की दुख विपत्तियां इस संसार में ही व्याप्त है। मन को संसार में न लगाकर भगवान के चरणों में लगाना ही परम सुख, परम आनंद को प्राप्त करने का एक मार्ग है। तो प्रेमी भक्त भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही ध्यान करता है, भगवान की ही सेवा में लगा रहता है। उसे सबसे बड़ा पद जो होता है मोक्ष का पद, वो भी नहीं चाहिए, और पद की और वस्तु और कामना की उस तो उसकी इच्छा ही नहीं रहती जब उसने मोक्ष का ही त्याग कर दिया है। यहाँ तो लोग मोक्ष चाह रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाए और हम मोक्ष को प्राप्त हों, इस प्रकार कष्ट से हम दूर हो जाएं। प्रेमी भक्त यह मोक्ष नहीं चाहता, वो तो चाहता है श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति, अनन्य भक्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान का सुख, यह चाहता है। भगवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य जो भगवान का भक्त है वह पागल हो जाता है। कैसा पागल? सांसारिक पागल नहीं, भगवान के प्रेम में पागल। अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ दिन रात प्रभु के ही गुण गाता है, उन्हीं के कथा सुनता है, चिंतन करता है, बाहर की दूसरी बातों का उसे होश नहीं रहता। जैसे वह प्रेम के उन्मत्त होकर प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है। उसके मन को यही अच्छा लगता है। अब उसके मन को संसार की वस्तुएं नहीं अच्छा लगता। वह भगवान के नामों का किसी प्रकार की लज्जा को छोड़कर, वो लज्जा नहीं करता नाम लेने में, वो कहीं भी भगवान का नाम खूब गुणगान करता है, नाम लेता है, किसी प्रकार का उसे भय नहीं रहता। संसार में अनासक्त होकर वह विचरता है। इस प्रकार का व्रत धारण करके वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम के वशीभूत होकर इतना डूब जाता है कि उसका आनंद लेते लेते वह अपने समय को बिताता है, अपने जीवन को चलाता है। उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, उसे भूख प्यास की सुध नहीं रहती जब वो भगवान में डूबा हुआ होता है।
भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षण के लिए भी वह भक्त अन्य किसी पदार्थ में नहीं रमता। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न भय दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अर्थात गोपियों के हृदय में जो एक मन है, गोपियों का एक मन जो है वो भगवान के साथ चला गया है। अब वो उद्धव की क्या बात समझें, उद्धव के ईस की क्या आराधना करें, क्योंकि एक मन भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। तो वो प्रेमी भक्त अपने एक मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित करता है। जब एक प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन में प्रवेश ही निषिद्ध है, अर्थात कोई भी उसके मन में प्रवेश नहीं कर सकता केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा, कोई भी वस्तु पदार्थ भोग कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण। कोई किसी को देखे सुने उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो ऐसा कुछ नहीं, उसके मन में किसी के लिए कोई इच्छा नहीं, ना किसी को देखना चाहता है ना किसी से बात करना चाहता है, वो तो केवल अपने इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण में ही रमा रहता है। ऐसा प्रेमी भक्त जो होता है वह भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से, जो कभी किसी बात में हर्षित नहीं होता, ना कहीं द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना किसी की कामना करता है, जो शुभ और अशुभ में सबका त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करने लगा है ना। सब जगह से राग द्वेष को मिटाकर, आसक्ति कामना को मिटाकर मेरे चरणों में समर्पित हो गया है अनन्य भाव से, इसलिए वह मुझे प्रिय है। तो ऐसे भक्त बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम के आश्रित होना है, भगवान पर आश्रित होना है, नाम निरंतर तेल धारा के रूप में बहता रहे, यही भक्ति है, यही प्रेम है। भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान के नाम को नित्य पकड़ना, भगवान के रूप को पकड़ना, भगवान की साधना करना। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।